तो आपके बीच में बैठा हो, कोई गायब हो, जो कुछ लोग हैं उनकी सोच दर्शाती है कि वो राजनीतिक लाभ ऐसी घटनाओं से लेना चाहते हैं। हमारा प्रयास है प्रदेश में शांति रहे, तनाव का माहौल ना बने, और इसीलिए है कि आज 120 दिन से ज़्यादा हो गए हमारे बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान बैठे, उनको प्राथमिक मदद भी, उपचार भी, उनके वहाँ पर तमाम व्यवस्था बनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया। पीसफुल प्रोटेस्ट करना हर एक नागरिक का अधिकार है, और इसीलिए आज हजारों की संख्या में किसान हमारे बॉर्डर पर है। मगर अगर कोई तनावपूर्ण हरकत करेगा तो जरूर उसके विरुद्ध सख्ती से सरकार करेगी। तो दर्शाता है कि ये आंदोलन अब किसानों का आंदोलन नहीं रहा। जिस तरह से घटनाक्रम पिछले एक महीने का रहा है, ये घटनाक्रम तो राजनीतिक रूप ले गया। अब तो किसान सभा की जगह राजनीतिक पार्टियों की सभा होने लगी। मैं तो उन लोगों को जवाब जब दूंगा जब प्रदेश के एक एक किसान का एक एक दाना पूरी MSP पे 6 फसलों का हम खरीदेंगे। जहाँ डेवलपमेंट वर्क्स की बात है, मुझे लगता है पिछले एक वर्ष के अंदर कोरोना के बावजूद भी सबसे ऐतिहासिक अगर सड़कों का निर्माण कहीं हुआ है तो हरियाणा प्रदेश में हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 1921 किलोमीटर के निर्माण के कार्य शुरू हुए। अगर कोई अलॉटेड टाइम के बाद डिले करता है तब तो हम जरूर एक्शन उसके विरुद्ध ले सकते हैं, मगर किसी का अलॉटेड टाइम पड़ा है वहाँ डिले है तो जरूर मैं अधिकारियों को आदेश दूंगा कि उसको टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट कराने का काम करें। मैं तो पूरी तौर पर उसकी निंदा करता हूँ, और ये फेलियर है पंजाब सरकार का कि वो अपने किसानों को जिस आक्रोश के साथ दिल्ली लेकर गए, आज आने वाली जो प्रोक्योरमेंट की स्थिति है ये पंजाब की दर्शाती है कि मेयर फेलियर पंजाब में प्रोक्योरमेंट का होगा। हरियाणा पूरी तौर पर गेयर्ड अप है। 3 लाख बेल्स जो हमें गन्नी बैग की चाहिए थी हमने पूरी तौर पर प्रोक्योर करी हुई है। हमारी मंडियां चिन्हित है। 6 फसलें गेहूं हो, हमारे सरसों हो, सूरजमुखी हो, दाल हो, चना हो, और तो और जो को भी इस बार हर जिला हेडक्वार्टर पर 25 मंडियां बनाकर हम प्रोक्योर करने का काम कर रहे हैं। आढ़ती भाइयों को भी उनकी जो आड़त है दामी है 2.5% वो भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं, और तमाम किसानों के खातों को लिंक कर जे फॉर्म इशू होने से 48 घंटे में पेमेंट प्रोसेस करेंगे, और अगर डिले होता है 72 घंटे से ज़्यादा तो उसको 9% ब्याज भी देने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी आज के दिन किसान की बात करती है। मैं तो उनको बोलना चाहूँगा कि आप पहले दिल्ली की मंडियों के अंदर MSP पे प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था पूरी तौर पर करें, फिर हरियाणा के किसान की लड़ाई लड़ें। वो आज किसान की बात कर रहे आदमी जिसने मेरे ख्याल से आज तक 1 इंच खेत में बुआई कर नहीं देखा। गठबंधन लड़ेगा, मजबूती से लड़ेगा, आने वाले दिनों में बैठक करके कौन कहां से लड़ेगा इसके ऊपर निर्णय लिया। एलाहाबाद में होगा, कालका में होगा, तो दोनों पार्टी मिलके फैसला लेगी।